मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं महाराज जी के अनन्य भक्त भगवान सिंह के संस्मरण। भगवान सिंह वृंदावन पहुंच चुके हैं और उनको पुजारी जी का काम दिया गया, परंतु जिनकी देखरेख में महाराज जी उन्हें छोड़ के गए हैं वो उन्हें पुजारी का काम तो बात दूर है, उन्हें मंदिर में भी घुसने के लिए आपत्तिजनक स्थिति बनाए रखे हुए हैं। आपत्ति इसलिए कर रहे हैं वो कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं है, पहाड़ी है, ईर्ष्या दिल में जाग गई है कि महाराज जी का बहुत ही अनन्य प्रिय भक्त है। अब भाई कोई इष्ट है और कोई संत है, कोई गुरु है और वो किसी को थोड़ा सा प्रमुखता दे दें तो दूसरे आदमी को लगता है यार नहीं, वरन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान सिंह के साथ वृंदावन आश्रम में ऐसा हो रहा है। भगवान सिंह काम में लगे हुए हैं, सब काम पूरी समर्पण से कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और अच्छा सा अच्छा काम करें, तो उनसे आश्रम में और जो काम है, बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना है, पराते रखनी है, बर्तन इधर से उधर बर्तन साफ करने हैं, गायों की सेवा करनी है और मतलब जो काम और भी जो काम होते हैं, भक्त नहा के गए हैं बाथरूम साफ करना है, मतलब एक मैं वो काम बता रहा हूं कि जो काम आश्रम में है और आश्रम में सारे काम आदमी करता भी है। लेकिन अगर महाराज जी ने ये कहा कि पूजा का काम भी है, मंदिर के पूजा का काम भी है, तो वो भी आदमी करता है और वो भगवान सिंह को दिया गया, लेकिन वहां के लोग उससे ये काम करवाने को कतई राजी नहीं है। भगवान सिंह को अब वो काम कराए जाने लगे थे जो सम्मानजनक भी नहीं। सम्मानजनक आप समझ रहे हैं ना, सफाई करना कोई गलत बात नहीं है, सफाई करनी चाहिए, लेकिन पूजा के समय कह दिया जाए जाओ नाली साफ करो जाके, या कुछ भक्त भोजन प्रसाद पाके उन्हीं साफ बर्तन साफ करो जाके। तो ये छोटे छोटे मैं उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन और भी काम हो सकते हैं जो एक पुजारी को करने में थोड़ा सी असुविधाजनक लग सकती है। वो स्थितियां ऐसी बनाई जा रखी हैं। अब मान लीजिए ईर्ष्या बस अगर आप व्यवहार करेंगे किसी से लगातार तो उसका मन नहीं लगेगा। आप समझिए भगवान सिंह का मस्तिष्क जो है, भगवान सिंह की जो मनोदशा जो है वो एकदम विकृत सी होने लगी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे सारे सपने टूट गए, हम क्या करें। इधर आपको पुजारी का काम दिया गया था, आपको पुजारी का काम नहीं दिया जा रहा है। भगवान सिंह को भवानिया भी कहते हैं, मैं उनका निकनेम जो पढ़ा था तो भवानिया शब्द का प्रयोग करूं तो उसका मतलब भी भगवान सिंह है। तो भवानिया जी को अब स्थिति ऐसी लगी थी कि कभी क्षेत्रवाद के नाम पे कभी ऐसी स्थिति कर दी जाए कि वो अब रोने की स्थिति पा जाते और वो सच में कभी कभी एकांतवास जाके हुबक सुबक के रोते, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती कि कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बात कहते और उनके आंसू निकल पड़ते। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, यहां रहें न रहें, एक बड़ी व्यवस्था। उसी समय उनमें जहां जो माताओं का प्रवास था, उन माताओं ने कहा कि भवानिया तू परेशान मत हो भाई, आप यहीं रहो आराम से, जाने की छोड़ देते। माताओं ने समझाया, माताओं से बातचीत होने लगी। एक दिन बहुत दुखी थे, रोते रोते सो गए। भवानिया जी देखते हैं, भगवान सिंह देखते हैं सपने में कि महाराज जी का आगमन होता है, गेट के अंदर महाराज जी घुस रहे हैं और भवानिया सामने काम कर रहा है। भवानिया ने जैसे ही देखा कि सामने से महाराज जी आ रहे हैं, भवानिया ने दौड़ के उनके चरण स्पर्श किए और जैसे ही चरण स्पर्श किए हैं महाराज जी ने भगवान सिंह को जनेऊ पहना दिया और बोले ले
तू ब्राह्मण हो गया। तो ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा। सुबह उठे, नहाए धोए और वो माताओं से, देखिए जब आदमी की किसी से मन प्रवृत्ति मिलती है तो वो चाहता है कि हमें उससे बात बताएं। माताओं से कहा जाके, माता रात हमने ऐसा ऐसा माई ऐसा ऐसा सपना देखा। तो माँ ने कहा ठीक है, कई माएं थी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम प्रसन्न हो, हमें यही सबसे बड़ी बात है। होता क्या है कि सुबह सुबह जब वो भगवान सिंह काम कर रहे हैं वहां पर, और वैसे ही जैसे उसने स्वप्न में देखा था वैसे ही महाराज जी प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं। भगवान ने काम छोड़ा और प्रवेश द्वार से एकदम जाके महाराज जी के चरण स्पर्श किए, और चरण स्पर्श करते ही देखते क्या है कि जो स्वप्न में देखा था कि महाराज जी ने जैसे जनेऊ पहनाया था वैसे ही उन्होंने जनेऊ पहना दिया। और बोले, भगवान सिंह तू ब्राह्मण हो गया। अब ऐसी बात जैसे ही महाराज जी के मुखारविंद से सुनी, वो रोने लगा। रोते रोते महाराज जी ने चुप कराया, और जब महाराज जी ने उसे चुप कराया, सांत्वना दी, तो और भाव विवल हो गया। अब जो श्रद्धा का ज्वार था, जो वहां से जाने की बातें आ रही थी मन में, और ज्यादा दृढ़ हो गई कि मैं यहीं काम करूंगा। फिर महाराज जी ने उसे समझाया, जब उसे समझाया तो वो रहने को राजी हो गया। राजी होने के बाद महाराज जी फिर अपने भ्रमण पे निकल गए। महाराज जी भ्रमण पे निकल गए हैं, और भगवान सिंह अब यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण बन चुका है, लेकिन फिर भी उसकी जो राह की बाधाएं हैं वो दूर नहीं हुई। क्या क्या बाधाएं आई, कैसे कैसे परेशानियां में फिर डाल दिया भगवान सिंह उफ भवानिया जी को, मैं बताऊंगा अगले अंक में। तो मिलते हैं।